वीक्स अगो, 89 वीक्स अगो, भाई 500-700 दिन पुरानी ये वीडियो है। वो उस टाइम 14 साल का था। अब 14 साल पहले पबजी मोबाइल के टाइम पे अगर उसकी टीम में कोई हैकर था, जिसमें क्रोटोस और शिकारी की वो बात कर रहा है, तो ये कैसे प्रूव करता है कि एडमिनो हैक कर रहा है? 2 साल पहले एडमिनो अगर किसी हैकर टीम के साथ खेल रहा था, तो उसने ये चीज जब जान ली, पहचान ली, तो वो टीम छोड़ दी ना। अगर एडमिनो उस टाइम पे हैक कर भी रहा था, तो एक पीओवी, सिर्फ एक वीडियो पीओवी, जिस तरीके से ये सेल्सियस और एक्सलेंस के प्लेयर्स को बैन करने के लिए हमारे पास पीओवी है ना, एविडेंस है ना, एक वीडियो एविडेंस ऐसा दिखा दो, प्रूव हो जाए जिससे कि एडमिनो हैकर है, हम जी से किक कर देंगे, हम नया प्लेयर रिक्रूट कर लेंगे एक दिन के अंदर। बट बात सारी यही है कि ये जो बंदा है गुजर, ये 2 साल से एडमिनो के पीछे पड़ा हुआ है। एडमिनो एक अंडरडॉग प्लेयर है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। अब उसको जो भी टीम में कोई रिक्रूट करता है, ये वहां जाके उसको ये रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। 2 साल से वो सिर्फ ये क्लिपिंग ही घुमा रहा है। आप अपनी स्टोरी में लिखते हो कि मेरे पास एडमिनो से रिलेटेड अनगिनत अनलिमिटेड प्रूफ्स हैं, तो उन अनलिमिटेड प्रूफ्स के पिटारों में से सिर्फ एक पीओवी दे दो। जो एडमिनो को जानते हैं, वो पिछले 2 साल से कम्युनिटी में है, वो खेल रहा है, वो अलग अलग टीम से भी खेला है। अब जब उसको स्काउट किया गया है, तो एज अ स्काउट, एज अ कोच, या फिर एज अ जी मेंबर, हमने जो भी इंक्वायरी करनी थी वो करी। हमने अपने डिवाइसेस दिए, वो हमारे दिए गए 13 Pro Max में खेल रहा है। हमने बूट कैंप बुलाया, 2 टूर्नामेंट्स वो हमारे सामने बैठ के खेले हैं, जिसमें हमने आउटशाइन किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो बंदा मेरे सामने 6 महीने बैठ के खेल रहा है, हमारे पास हर एक मैच का, हर एक प्लेयर का पीओवी है। कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर अगर हमसे पीओवी मांगता है, तो हम मात्र 2 मिनट के अंदर उसको पीओवी दे सकते हैं हर प्लेयर का। नकुल, जोकर, एडमिनो, मान्या सब अपने कंटेंट को लेके बहुत सीरियस हैं, सब रेगुलर कंटेंट डालते हैं।